नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ सूरत की जानी मानी हस्ती डॉक्टर सारिका मेहता जी यहां पे उपस्थित है। सारिका जी, आपका स्वागत करती हूं हमारे स्टूडियो में। और सारिका जी जो है बाइकिंग क्लब के फाउंडर है और बाइकिंग क्वींस है। तो सारिका जी, सबसे पहले तो आपके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि आपने ये बाइकिंग का जो मतलब क्लब शुरू की वो कैसे शुरू की, कहाँ से शुरू की, और आपने जो फर्स्ट अचीवमेंट किया था वो कहाँ और कैसे किया था वो बताइए हमारे दर्शकों को। बाइकिंग कभी भी मेरा पैशन नहीं था पहले, माउंटेनियरिंग मेरा पैशन था। बाइकिंग बाई चांस मेरे लाइफ में आया है। सो मैंने बाइकिंग भी सीखा अपने हस्बैंड से है, उन्होंने मुझे बाइकिंग सिखाया है। और जैसे बाइकिंग बताया जाता है इट्स अ मेंस डोमिनेंट स्पोर्ट, और आज से जैसे आप सब जो 7 साल पहले अगर सोचते हो कि एक विमेन बाइक के ऊपर इतने सारे देशों में जा सकती है तो वो नामुमकिन लगता था। मैंने भी कभी वो सपना देखा नहीं था कि मैं दुनिया में भी बहुत सारे कंट्रीज में जाऊंगी, बाइक पे जाऊंगी। तो इसी हिसाब से बाइकिंग मैंने सीखा। बाइकिंग के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, रोड राइडिंग कैसे करना है वो भी सीखा, हाईवे पे कैसे चलाना है वो भी सीखा। और पहली हमने बाइक राइड की थी वो सूरत से लेके सिंगापुर की थी, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि तब हमने सोचा भी नहीं था कि बाइक के माध्यम से हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मैसेज है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वो अवेयरनेस के साथ हम ये बाइक राइड कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन वो हमने अचीव किया। बहुत सारी दिक्कतें आई, दिक्कतों के साथ साथ पहली बार बाइक के ऊपर इतना प्लानिंग, और प्लानिंग के साथ पहले तो फैमिली को कैसे मनाना है, बच्चों को ये सब मनाना है, इम्पोर्टेंट चीज है। महिला होके जब ये फील्ड में, पहले के जमाने में तो अगर कोई महिला बाइक चलाती या बाइक के ऊपर बैठती तो भी लोगों को कुछ अलग सा, मतलब लोग उसको देखते रह जाते थे। और अभी का जो माहौल है उसमें काफी सारी महिलाएं आपको देख के प्रेरित हुई है, और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं काफी टाइम से आपको ऑब्जर्विंग करती हूँ। तो ऐसा मुझे लगा है कि आपने जब से शुरू किया है बाइक चलाना और जैसे आपने कुछ अचीव किया है, तो तब से लेके काफी सारी महिलाएं बाइक सीखने की कोशिश कर रही है और बाइक चलाने की कोशिश कर रही है। काफी सारे फोन मुझे भी आए थे कि यहाँ पे बाइकिंग, अगर हमें बाइक सीखना है तो कोई इंस्टीट्यूट है, तो मैं, मुझे तो नहीं पता है कि अभी तक कोई इंस्टीट्यूट है या नहीं है, लेकिन आपके द्वारा मैं अभी वो भी पता कर लूंगी कि इंस्टीट्यूट है। तो काफी सारे ऐसी महिलाएं हैं जो सीखना चाहती है लेकिन इंस्टीट्यूट नहीं है। लेकिन आज आप देखने जाए इंडिया के अंदर, आप अगर गूगल करेंगे तो बाइक राइडिंग स्कूल आपको बहुत रैली देखने को मिलेंगे। आज से 7 साल पहले अगर आप देखते हो बाइक राइडिंग स्कूल टाइप गूगल में करते हो तो मिलेगा ही नहीं, मिलता भी नहीं था उस टाइम पे। लेकिन अभी देखने जाए तो रेसिंग स्कूल है, वहां मिलता है। लेकिन नॉर्मली अगर आपको बाइक सीखना है तो वो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। कार ड्राइविंग स्कूल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन बाइक राइडिंग स्कूल मिलना बहुत बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये एक बात समझ लीजिए, अगर आपको कोई भी चीज, बाइक राइडिंग हो या माउंटेनियरिंग हो या कुछ भी हो, सीखना है तो आपको रास्ता खूब खुद से ही मिल सकता है। घर में भी बहुत सारे हैं वो भी आपको सिखा सकते हैं, लेकिन आपको सीखने का धगस चाहिए कि आपको सीखना है और करना है। जी जरूर सारिका जी, लेकिन आपने जो फर्स्ट जो अचीवमेंट किया था और मोदी जी को आप मिलके आए थे, तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। पहला जो हमने जब सोचा था सूरत से लेके सिंगापुर तक का बाइक राइड करना है, तो वो हमारे लिए उस टाइम बहुत ही मुश्किल लग रहा था क्योंकि बॉर्डर्स क्रॉस करना था, इतने सारे देश में क्या वेदर सिचुएशन रहेगी, हम भी वेजिटेरियंस हैं तो क्या फूड प्रॉब्लम रहेगा, वहां जाके हमें एनजीओज है उनका कॉन्टेक्ट करना था, एम्बेसीज का कॉन्टेक्ट करना था, बहुत सारी गाइडलाइंस हमको लेनी थी। तो उस हिसाब से हम जब उनको मिले थे तो उन्होंने बहुत सारा हमें गाइडलाइंस दी थी कि हमें कैसे करना चाहिए, सावधानी क्या बरतनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए वही मेन प्राधान्य है कि सावधानी सावचेती कैसे, एक विमेन जा रही थी तो वो एक स्ट्रांग मैसेज के साथ, तो वो सारी चीज हमने उनके साथ डिस्कस की थी और उन्होंने बहुत ही अच्छी एक गाइडलाइन बना के दी थी और उसी हिसाब से हमने पूरा राइड कम्प्लीट किया। जी आपके साथ मैम बाइकिंग जो क्वींस है, आपके साथ कितनी मतलब
महिला है जुड़ी हुई है, और आपके साथ कौन कौन वहां तक पहुंचा था? सिंगापुर तक 4 महिलाएं थी, लेकिन इसके बाद जो ऑल इंडिया राइड हुई थी वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 35 प्लस बाकी 10 यानी 45 जन हम एक साथ में सूरत से निकले थे, और वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए था कि बहुत सारी गर्ल्स और वुमेन्स थी जो स्टूडेंट्स थी, हाउसवाइफ थी, प्रोफेशनल्स थी, जो बाइक चलाना आता नहीं था और वो सीखे थे वो टाइम पे, और फिर ऑल इंडिया राइड की थी। तो वो एक ऑल इंडिया राइड एक एक्सपीरियंस सबके लिए इसलिए था कि सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग ही आ गया था, बहुत सारी चीज सीखने को भी एक साथ में मिली थी, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उसके बाद अभी रिसेंटली हम लोग 3 जन एक राइड पे गए थे, 3 कॉन्टिनेंट राइड पे, सूरत से लेके एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और लास्ट स्टॉप हमारा लंदन था। उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो करना चाहती है, वो हर बार हम चांस देते हैं हर एक राइड में कि अलग अलग महिलाएं जुड़ सकती है और वो राइड कर सकती है। जी, लेकिन कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ रहा हो जो शायद मुश्किल है, तो बहुत जगह पे आई होगी मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये जो आपने आपने जो किया है वो इतना आसान नहीं है, एक महिलाओं के लिए आपने किया है, तो कुछ मुश्किलें आई होगी वो भी आप बताइए। मुश्किलें तो हर बार आती है, लेकिन जो अभी 3 कॉन्टिनेंट राइड की अगर मैं बात करती हूँ, अभी जब लंदन पहुंचे इंटरनेशनल आप गए थे, तो इसीलिए ये मैं पूछ रही हूँ आपको। पहली मुश्किल आई थी कि रोड कंडीशंस, हम जब नेपाल पहुंचे थे तो रोड कंडीशन अर्थक्वेक की वजह से रोड कंडीशन नहीं थे, तो वो सिचुएशन में राइड करना, यानी 70 किलोमीटर्स अगर हम राइड करना चाहते हैं तो साथ साथ 8-8 घंटे लगते थे बिकॉज ऑफ रोड कंडीशन, फूड कंडीशन बहुत सारा प्रॉब्लम आया था। वैसे ये सब छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम आई थी, रशिया के अंदर एक फीमेल राइडर का पासपोर्ट गुम हो गया था। हाँ, जी, जी, और जी। वो प्रोसेस इतनी लंबी होती है, पासपोर्ट तो मिल जाता है लेकिन बाकी सब जो वीजा होते हैं उसमें दिक्कत आती है कि वो मिलना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन जैसा ही है, वो एक मुश्किल आई थी। दूसरी मुश्किल आई थी कि एम्स्टर्डम के अंदर हमारे होटल के सामने से ही हमारे दोनों बाइक सुबह चोरी हो गए थे, तो वो सबसे बड़ा एक ड्रास्टिक शॉक था हम सबके लिए, क्योंकि बाइक का ही एक माध्यम लेके हम चले थे, और उसके बाद तो बहुत सारे कंट्रीज बाकी थे और लंदन हमें पहुंचना था। तो वो इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि हम सबको शेक कर दिया था कि अब क्या करें, लेकिन बोलते हैं ना कि वो ठाना है कि वो ड्रीम हमने देखा था, वहां पहुंचना है वो भी हमने देखा था। अगर कोई मुश्किल ही आती है, हम बैठ नहीं सकते कि कोई हमें आएगा और हमें सॉल्यूशन देगा, वो खुद को ही सॉल्यूशन लेके आना था, तो इसी हिसाब से दूसरा सॉल्यूशन लेके आए, बाइक लेके आए और राइड कंप्लीट की। जी, बहुत बहुत मतलब आपको अभिनंदन, आपने इतनी अच्छी जो ये आप मुकाम पे चले हैं, और मेरे ख्याल से और भी महिलाएं आपके साथ जुड़ती जा रही है, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी जाके आप बहुत कुछ ऐसा कुछ करें कि मतलब समाज का नाम भी रोशन होता है, अपने परिवार का नाम भी रोशन होता है। लेकिन थोड़ा सा आपके बारे में और एक जानना था कि आप इसके अलावा और क्या करती है? इसके अलावा तो आई एम अ प्राउड मदर ऑफ 2 वंडरफुल चिल्ड्रन। जी, और बोलते हैं ना कि बहुत सारी डिग्रीज और बहुत सारी पढ़ाई भी होती है साइकोलॉजी फील्ड के अंदर भी, लेकिन कोई भी चीज हम हासिल करते हैं तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है, फैमिली वैल्यूज के साथ अगर आप ये सब अचीव करते हैं तो उसका ही मजा अलग होता है। आप फैमिली को साथ में लेके नहीं चलते और कुछ भी अचीव करते हैं तो वो उसका कोई मायने ही नहीं है, दिस इज व्हाट आई फील, उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो आई बिलीव दैट फैमिली वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट, और आप वो रिकग्नाइज होने चाहिए एज अ इंडियन वुमेन। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में हमारे जो अपने गुजरात की सूरत की जो महिला है वो और बाकी सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैसेज एक ही है कि आप जो भी ड्रीम देखते हो वो आपका खुद का ड्रीम है, कोई सपोर्ट करे ना करे, कोई कर पाया ना कर पाए वो मत देखिए, आपको हासिल करना है। तो गिरते हो वो रोड पे तो आपको ही उठ के जाना है, लेकिन आपको 200% श्योर होना है कि आपको करना है,
बहुत हर्डल्स आएंगी, वो कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लाइए कि आपके फैमिली को भी वो ड्रीम दिखाना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि कोई हर्डल नहीं आएगी और सब फैमिली और समाज आपको सपोर्ट करेगा और आप हासिल कर पाएंगे जी। और आपका कोई ड्रीम इस 2020 का कोई ड्रीम है, आप कुछ और नया करने जा रही है? नया बाइक राइड भी है, होने वाला है, वो प्लानिंग है। माउंटेन क्लाइंब मैं करती हूँ तो वो भी है, उसके साथ साथ सोशल कैंपेन्स भी होते रहते हैं। जहाँ भी जो भी कुछ भी कर पाए, तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि समाज को हम बदल देंगे, लेकिन वो एक इनिशिएटिव तो ले रहे, कंप्लेंट्स को साइड में रख के कुछ एक कदम तो आगे बढ़ा इंक्रीज कर रहे हैं, तो वही मेरे लिए बहुत महत्व की बात है जी। बहुत ही अच्छा। लेकिन मेरी दिल से एक आपको रिक्वेस्ट है कि सूरत में बहुत सारी ऐसी महिलाएं मुझे भी रिक्वेस्ट कर रही है कि बाइकिंग का कोई स्कूल होना चाहिए बाइक सीखने के लिए, क्योंकि आजकल सभी की लाइफ इतनी बिजी है। अगर ऐसा कहे कि घर में अगर हस्बैंड को कहे या किसी को भी कहे, तो वो बिजी ही इतना होते हैं कि वो इतना टाइम शायद नहीं दे पाते हैं। तो मेरी दिल से आपको रिक्वेस्ट है कि आप ये 2020 में एक बाइकिंग स्कूल जरूर खोलिएगा। स्कूल तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिसको सीखना है तो वो हम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हम सिखाते भी अच्छी बात है, हम सिखाते भी है, और हाईवे पे भी कैसे चलाना है वो भी हम ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि आजकल क्या एक्टिवा सबको आता है, तो बाइक चलाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो सारी रूल्स सेफ्टी के साथ वो सारा इंफॉर्मेशन और वो सारी चीज हम देते हैं जी। तो जरूर आज आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था, तो उसका आंसर मैंने आज दे दिया है कि बाइक का अगर आपको सीखना है तो जरूर सारिका जी का संपर्क करिएगा, वो आपको जरूर हेल्प करेगी, और शायद उनकी टीम में भी आप जुड़ सकते हैं, वे भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पे आए और इतना अच्छा आपके बारे में बताया, और बहुत सारी महिलाएं आपसे प्रेरित भी होगी। सो थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।